ओम काली। सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मेरा हृदय पूर्वक ओम काली। शक्ति, शक्ति का अद्भुत महत्व है अपने जीवन में। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो मात्र सुख पाने के लिए कर रहे हैं, दुख पाने के लिए हम कोई भी कर्म नहीं करते हैं। भले ही हमें ये ज्ञान न हो कि किस कर्म से दुख मिलेगा, किस कर्म से सुख मिलेगा, लेकिन हम कर्म करते हैं मात्र सुख पाने के लिए। और सुख पाने के तीन मूल आधार है, मूल स्तंभ है। पहला आधार है ज्ञान, दूसरा आधार है धन, और तीसरा आधार है शरीर, बलवान शरीर। ज्ञान, धन और बलिष्ठता, ये तीन मूल आधार है सुख के। इन्हें ज्ञान शक्ति, शरीर शक्ति और धन शक्ति कहते हैं। इन्हें ही भारतीय परंपरा में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली कहते हैं। महासरस्वती माने ज्ञान, महालक्ष्मी माने धन और महाकाली माने बलिष्ठता, सुंदरता, पराक्रम। जिनके पास में इनमें से एक भी कम है वो दुखी ही रहेंगे। अगर ज्ञान है, धन है, लेकिन बलिष्ठता, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो वो व्यक्ति दुखी रहेगा। बलिष्ठता है, धन है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है, तो वो भी दुखी रहेगा। ज्ञान है और बलिष्ठता है, लेकिन धन नहीं है, तो भी वो दुखी ही रहेगा। इसलिए धन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और बलिष्ठता माने अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, अगर हमें सुखी रहना है तो। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की कृपा हमें निरंतर चाहिए। अगर हम इन महाशक्तियों का आराधन नहीं करते, इन महाशक्तियों का आराधन नहीं करते, तो हम दुखी ही रहेंगे। विद्यार्थी लोग ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले, खेती करने वाले लोग धन की आराधना कर रहे हैं, और जिम जाने वाले लोग या जिनका शरीर कमजोर है वो लोग बल की आराधना कर रहे हैं। जिनको संगठन बढ़ाना है, यह महाकाली की ही शक्ति है। संगठन बल माने मैन पावर, ये भी शरीर शक्ति ही है। धन, ज्ञान और बलिष्ठता, ये तीन चीजें जिसके पास में नहीं है, इसमें से एक भी कम है, तो भी व्यक्ति दुखी ही रहेगा। इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप हम आदि पराशक्ति बोलते हैं, परब्रह्म स्वरूपिणी काली माँ। काली ही महासरस्वती है, काली ही महालक्ष्मी है, काली ही महाकाली है। इसलिए हमें जगदम्बा की निरंतर आराधना करनी चाहिए। भले ही हम वो गायत्री मंत्र से करें, अथवा नवारण मंत्र से करें, अथवा महाविद्या मंत्र से करें, अथवा सिर्फ काली 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 बोले, या जगदम्बा का कोई भी हमें प्रिय नाम है वो जपें। हमारे मन में ये भेद नहीं होना चाहिए कि महालक्ष्मी अलग है, महाकाली अलग है, महासरस्वती अलग है। फिर ये रूप भेद पुराणों में क्यों है? लीला चिंतन भक्तों के अंतकरण में चलता रहे, इसलिए जगदम्बा ने यह अनेक रूपों की लीला करी हुई है। जो श्री जगदम्बा का ध्यान करता है उसे यह तीनों वस्तुएं प्राप्त होती ही है, होती ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ध्याने ध्यान स्वरूपता, हम जिस चीज का चिंतन करते हैं उसी के जैसे बनते जाते हैं, वह चीज हमारे जीवन में आकर्षित होते जाती है। काली माँ महासरस्वती है तो हम ज्ञानी बनते जाएंगे, काली माँ महालक्ष्मी हैं तो हम धनवान बनते जाएंगे, काली माँ महाकाली हैं इसलिए हम बलवान और सुंदर पराक्रमी होते जाएंगे, वैराग्यवान होते जाएंगे, तो सदा सुखी रहेंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है जगदम्बा की आराधना करना। मूल रूप में सारा जगत शक्ति की आराधना कर रहा है। हम इन तीनों महाशक्तियों को क्या बोलते हैं? आदि पराशक्ति। आदि माने जो सबसे पहले थी, जिसके पहले कुछ नहीं था। आदि परा माने जो दिखती नहीं है लेकिन है। परा शक्ति माने शक्ति। आदि पराशक्ति, इसे ही वैज्ञानिक लोग सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, अति नैसर्गिक शक्ति। वैज्ञानिक लोग ब्रह्मा विष्णु शिव को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते,
लेकिन वो बोलते हैं ऐसी एक शक्ति है जिसमें से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें स्थित है और जिसमें लय हो जाते हैं, ऐसी एक अद्भुत शक्ति है जिसको वो सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, अति नैसर्गिक शक्ति। भारतीय संस्कृति उसे ही आदि पराशक्ति बोलता है, भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन उसे ही आदि पराशक्ति कहता है, और जिसे हम प्रेमी भक्त काली बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं। जो कोई इस जगदम्बा की आराधना करता है वो निरंतर सुख की तरफ बढ़ते जाता है, इसलिए हम काली माँ की आराधना करें और सुखी होवे। फिर हम किसी भी मंत्र से करें या सिर्फ नाम लेते रहें जगदम्बा का, लेकिन जो इस प्रकार की उपासना करता है उसको पुण्य लाभ जरूर होता है, लेकिन उसके पाप के कार्य बंद होने चाहिए, नहीं तो उधर इधर औषधि भी ले रहा है और उधर परहेज भी नहीं कर रहा है, जिन चीज़ों से रोग होता है वो भी करते ही जा रहा है, तो वो रोग मुक्त नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार से जिन कर्मों के कारण व्यक्ति को दुख होता है वो भी व्यक्ति करता ही रहे तो वो दुखी होगा, कितने भी उपाय कर लेवे वह सुखी नहीं हो सकेगा। फिर ज्योतिषीय पद्धति से उपाय करें या तांत्रिक पद्धति से उपाय करें या वैदिक पद्धति से उपाय करें, किसी भी प्रकार से उपाय करेगा तो इधर से दुख दूर हो जाएगा तो दूसरा प्रकट हो जाएगा, उधर से दूर करने की कोशिश करे तो इधर फिर प्रकट हो जाएगा, इस प्रकार से दुखों की श्रृंखला निरंतर बनती रहेगी। दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? दुख पाप कर्मों से उत्पन्न होता है। और सुख कहाँ से उत्पन्न होता है? पुण्य कर्मों से सुख उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति पाप कर्मों में रत है वो सुखी नहीं हो सकता, वो कभी ना कभी दुख होगा, उसे कभी ना कभी दुखी होना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगने पड़ेंगे वो कर्म जो हमने किए हुए हैं, शुभ या अशुभ। कोई कोई लोग बोलेंगे कि हम तो कोई बुरा काम नहीं करते फिर भी हम क्यों दुखी है, तो इस पे मैंने मेरे चैनल पे वीडियो बना के डाला है, उसको जरूर देखना तो इसका जवाब मिल जाएगा। अभी इस चैनल में जगदम्बा का, इस वीडियो में जगदम्बा का विश्लेषण कर रहा हूं, जगदम्बा की महिमा गा रहा हूं। अगर हम पाप कर्म करना बंद नहीं करते तो दुखी रहेंगे। पाप कर्म क्या है? दूसरों को येन केन प्रकारेण दुख देना, माने पाप। पुण्य क्या है? दूसरों का भला करने का प्रयत्न करते रहना, येन केन प्रकारेण, इसे पुण्य कहते हैं। हमें पुण्य निरंतर करते रहने चाहिए, क्योंकि जितने हम सुख भोगते जाते हैं पुण्य क्षीण होते जाते हैं, पुण्य नष्ट होते जाते हैं, और जितने हम पापों को भोगते हैं माने दुखों को भोगते हैं वैसे पाप नष्ट होते जाते हैं। दोनों कर्मों की निवृत्ति भोगने से होती है। सुख भोगेंगे तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, दुख भोगेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा। अब हमें दुख तो भोगना नहीं है तो फिर पाप भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। दूसरों को दुख देना, कोई लोग बोलते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन नॉनवेज खाते हैं, अंडा मांस भक्षण करते हैं, अब कोई पशु पक्षी का बुरा किए बिना व्यक्ति खा कैसे सकेगा? जो व्यक्ति मांसाहार करेगा तो वो पशु पक्षियों को दुख देगा जरूर और भुगतना पड़ेगा जरूर, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन जवानी के जोश में व्यक्ति क्या बोलता है? देख लेंगे जो होगा वो देख लेंगे। लेकिन जब देखने का समय आता है तो कर्म देवता के सामने कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी माफी मांगो, वो क्षमा नहीं करती। इसलिए जैसे ही ज्ञान हो जाए कर्मों का तो हमें पुण्य कर्म में निरत हो जाना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए और जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। पाप कर्मों में प्रधान है मांस भक्षण करना, अंडा मांस भक्षण करना, यह महापापों में गणना है। मद्यपेय पान करना, दारू पीना किसी भी प्रकार की, इससे आपराधिक तत्व बढ़ते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसको भगवान श्री कृष्ण का और शुक्राचार्य जी का श्राप है, क्योंकि दैत्यों की बुद्धि और यादवों की बुद्धि, माने कृष्ण कुल जो यादव कुल था उनकी बुद्धि और दैत्यों की बुद्धि, ये दारू पीने के कारण ही भ्रष्ट हुई थी। किसी भी प्रकार की दारू हो, विस्की हो, ब्रांडी हो, वाइन हो, रम हो, न जाने क्या 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 प्रकार है उसमें, वो कुछ भी पिएगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, स्वास्थ्य नष्ट होगा, हाथ से कुकर्म घटित होंगे, पुण्य क्षीण होंगे। और भगवान शुक्राचार्य ने दैत्य कुल का नाश होने के कारण और भगवान श्री कृष्ण ने यादव कुल का नाश होने के कारण इस दारू को श्राप देके रखा है, और वो श्राप शब्द का अपभ्रंश ही शराब है।
वो श्रापी है, शराब पी रहा है, माने श्राप पी रहा है, वो दुखी होगा, दुखी होगा। भगवान शुक्राचार्य संपत्ति के कारक हैं, शुक्र ग्रह ही शुक्राचार्य भगवान हैं, ये संपत्ति के कारक हैं। जिस पर शुक्र भगवान की कृपा होती है उसको संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुंदरता की प्राप्ति होती है। भगवान बृहस्पति भी धन संपत्ति के कारक हैं। अगर हम उन्होंने दिया हुआ श्राप ही पी रहे हैं तो उनकी कृपा नहीं होने वाली है, दुखी रहने वाले हैं, संपत्ति क्षीण हो जाएगी। जो धनी लोग दारू पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, वो आगे चल के दुखी होंगे, उनको दुर्धर रोग होंगे, वो पशु पक्षियों की हाय जाएगी कहां पे, भुगतना पड़ेगा। लोग जो लोग काली दुर्गा के नाम से बलि चढ़ा रहे हैं वो भी दुखी होंगे, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये दंभा दंभ यज्ञेशु पशुन घ्नन्ति नराधमः तान मुष्मिन् यम भटा नरके वैशसे तदा निपात्य पीड़यन्तेव कशाघातैर् दुरासदैः। जो लोग देवी देवताओं के सामने अहंकार वशात बलि देते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, और तब तक के उतने वर्षों तक वो नरक में सड़ते हैं जितने उस पशु पक्षी के शरीर पर रोम होते हैं, माने हजारों लाखों साल नरक में सड़ना पड़ेगा। देवी भागवत का श्लोक है ये, इसलिए सावधान। देवी देवताओं के नाम से, काल भैरव के नाम से मांस भक्षण करना, दारू पीना, इससे दुखों के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे अज्ञानी लोग देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, दुखी होंगे, दुखी होंगे। कोई हाथ थोड़ी पकड़ने वाला है कि दारू मत पी, कोई हाथ थोड़ी पकड़ने वाला है नॉनवेज मत खा, लेकिन दुख होने के बाद में, खूब ठुकाई होने के बाद में माया देवी जब खूब ठुकाई करेगी तब खोपड़ी या ठिकाने पे आएगी, और नाना विध जतन करने के बाद में भी सुखी नहीं होगा। फिर शनि भगवान के सर पे तेल डालेगा, हनुमान जी के सर पे तेल डालेगा, ज्योतिषियों के चौखड़ों के चक्कर लगाएगा, लेकिन सुखी नहीं होगा। फिर देवी माँ के चरणों में मत्था टेकने को जाएगा, सुखी नहीं होगा। फिर भोले भी सहायता नहीं करने वाले, ना गणपति बाप्पा ना कार्तिक स्वामी, कोई नहीं आएगा बचाने को, ना विष्णु आएंगे ना शिव आएंगे, भोगना पड़ेगा भैया। इसलिए सावधान, ज्ञान होते ही, अब तक के जो हुआ सो हुआ, अब ज्ञान हो गया है तो सुधर जाओ, नहीं तो प्रज्ञापराध होगा, जानबूझ के किए हुए पाप का बड़ा दंड होता है। अज्ञान में किया हुआ है तो उसकी क्षमा हो भी सकती है, उसकी निवृत्ति भी हो सकती है कुछ पुण्य कार्य करने से, लेकिन जानबूझकर किए हुए पाप वज्रलेप हो जाते हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए सावधान, सावधानी पूर्वक अंडा मांस भक्षण करना त्यागिए, मध्यमांस भक्षण करना सेवन करना त्यागिए, दारू पीना त्यागिए, विश्वासघात करना त्यागिए, अपनी पत्नी का, अपने पति का विश्वासघात करना त्यागिए, अपने मित्रों का विश्वासघात करना त्यागिए, तो आप सुखी हो जाओगे। जो संपत्ति दूसरों की हाय लेके आई है वो चीख पुकार करते जाएगी, भयानक दुख देते हुए जाएगी, सावधान। और इस प्रकार से पापों से परहेज करते हुए, पापों से दूर रहते हुए श्री जगदम्बा का आराधन करिए, दुखियों की मदद करिए, गाय की सेवा करिए, गुरुओं की सेवा करिए, दुखियों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा सहित आप श्री जगदम्बा का आराधन करिए, सुखी हो जाएंगे। ओम काली कहिए और सदा सुखी रहिए। ॐ काली सरिगमपमरिसनिपनिसरिसरिस सगमधनिसनिधमगस गलद्रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महाघोररावासुदंष्ट्राकराला गलद्रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महाघोररावासुदंष्ट्राकराला विवस्त्राश्मशानालया मुक्तकेशी महाकाल कामाकुला कालिकेयम् महाकाल कामाकुला कालिकेयम् महाकाल कामाकुला कालिकेयम् भुजे वामयुग्मे शिरोसिं दधाना वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुंगस्तनाभारनम्रालसद्रक्तसृक्कद्वया सुस्मितास्य
शवद्वंद्व करणामतंस सुकेशी लसत् प्रेतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकार मञ्जाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे। ॐ काली 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 ॐ ॐ काली ॐ काली ॐ काली।